आगामी 22 जनवरी को रावी नदी पर बने कीड़िया घंडियाल पुल का उद्घाटन होगा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के सलाहकार के शर्मा तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 22 जनवरी को कठुआ जिले के कीड़िया घंडियाल के पास रावी पर नव निर्मित पुल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 150 करोड़ की लागत से बने इस पुल के निर्माण के साथ ही अमृतसर अब जम्मू व कठुआ के और करीब हो जाएगा। अभी तक यात्रियों को अमृतसर से पठानकोट जाना पड़ता था और वहां से लखनपुर बॉर्डर के रास्ते कठुआ जिले में प्रवेश कर पाते थे, क्योंकि पुल के अभाव में बीच में बहती रावी दरिया को पार कर सीधे अपने जिले मुख्यालय में पहुंचना अब कीड़िया घंडियाल के लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। उन्हें 8 किलोमीटर के लिए 40 किलोमीटर पंजाब से होकर आना नहीं पड़ेगा। अगर कीड़िया घंडियाल की बात करें तो ये भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से पंजाब का हिस्सा रहा है, लेकिन उनके बीच में रावी नदी गुजरती थी, जिसकी वजह से उन्हें 40 किलोमीटर का सफर करना पड़ता था। अब इस पुल के निर्माण से कीड़िया घंडियाल के लोग 40 किलोमीटर की बजाय 5 किलोमीटर का सफर कर कठुआ जिले मुख्यालय पहुंचेंगे। कठुआ से सुदर्शन भार्गव की रिपोर्ट। एक कीड़िया घंडियाल का ब्रिज है, इसको ऐसे हम देखने के लिए आए थे, अभी कंप्लीशन स्टेज पे है, कुछ एक दो दिन में इसकी इनॉग्रेशन होगी। जो एरिया है उसका मुआयना करने के लिए हम आए थे। ये हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया कुछ पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ लोग रहते हैं जम्मू कश्मीर स्टेट के। तो ये प्रोजेक्ट उठाया गया, अब ये प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट होने पे है और एक और नई कनेक्टिविटी भी जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में इससे होगी। तो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी आजकल के जो ज़माना है, जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी हो उससे सोशल डेवलपमेंट तो होती है लोगों की, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बड़ी पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं। नेशनल हाईवे के ऊपर ट्रैफिक कम होगी तो लोगों को ओवरऑल दोनों स्टेट में सुविधा इससे बढ़ेगी। सांबा जिले के दूरदराज गांव खब्बल के सब सेंटर की हालत बहुत खस्ता है। पिछले 20 सालों से ये बिल्डिंग बिल्कुल खंडर बन गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई लोग इस बिल्डिंग का गलत उपयोग भी कर रहे हैं, जैसे पशु का चारा रखना, और पशु भी इसमें बांधे जाते हैं। सब सेंटर का एक प्राइवेट बिल्डिंग में काम चलाया जा रहा है और लोगों का कहना है कि यहां डॉक्टर भी कभी कभार ही आते हैं। सांबा से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बीजेपी ने विजयपुर में बूथ लेवल इंचार्ज और वर्कर्स की बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा और बीजेपी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना ने की। सांबा से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। लोकसभा तथा असेंबली के चुनावों की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने सभी असेंबली वाइज हमने अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन रखे हैं, नवरत्न सम्मेलन और पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन हमारे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी लोकसभा के चुनावों के साथ यहाँ इलेक्शंस हो, और जब देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और जम्मू कश्मीर में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, जम्मू कश्मीर में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। इंद्रवाल क्षेत्र के बीजेपी डेलीगेशन ने आज राज्य के गवर्नर सत्यपाल मलिक से मुलाकात कर स्थानीय लोगों की समस्याएं रखी और हॉस्पिटल की समस्या के समाधान हेतु उनका शुक्रिया अदा किया। ठाठरी से अर्शद आयु भट्ट की रिपोर्ट।